वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपको पाठ पांच लिंग शुरू कराया था व्याकरण का, तो वो पूरा नहीं हुआ था, है ना। तो उसमें हमने आप लोगों को क्या करा दिया था, सही विकल्प चुने और लिंग बदल कर लिखें, इतना करा दिया था ना आप लोगों को। पाठ एक का लिंग बदल कर लिखें और सही विकल्प चुने, है ना, इतना करा दिया था आप लोगों को। अब आज हमको क्या करना, तो ये वाला सही विकल्प आपने सही सब लोगों ने कर लिए थे ना, एक बार और चेक कर लीजिए। हाँ, एक बार और हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं, जिससे जिस बच्चों ने नहीं किया होगा वो कर लेंगे। ये सही विकल्प चुने, पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग का, पुरुष जाति का, दोनों का या पशु जाति का। पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है, किसकी पहचान होती है पुल्लिंग से, पुरुष जाति की, पुल्लिंग से पुरुष जाति की और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति की, ठीक है। तो पहले का उत्तर हुआ पुरुष जाति का। नंबर दो है, कुर्सी क्या है, हैं, तो कुर्सी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कोई नहीं है, दोनों है। कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग, कुर्सी को हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं। सेविका क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों, कोई नहीं, तो सेविका भी स्त्रीलिंग है। सेविका मतलब दासी, काम करने वाली दासी, तो स्त्रीलिंग है ना, वो काम करने वाला वो होता तो नौकर होता, तो नौकर तो होता पुल्लिंग, और काम करने वाली जो दीदी लोग होती हैं वो क्या है, सेविका, तो वो कौन है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसका हो गया स्त्रीलिंग, पहले का पुरुष जाति का, दूसरे का स्त्रीलिंग और तीसरे का भी स्त्रीलिंग, ठीक है। अब है लिंग बदल कर लिखिए, इनके लिंग बदल कर लिखना, ये हमने करा दिया है, फिर भी आपको करा दे रहे हैं एक बार और। लिंग बदल कर लिखना है इनका, ये वाली टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, पूरी लर्न कर लेना है ये वाली पूरी, ये याद हो जाएगी तो आप सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो लिंग बदल कर लिखना है, इसमें सबसे पहले दे रखा है बकरा, बकरा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बकरी, बकरा का बकरी। बेटा का बेटी, अध्यापक का अध्यापिका, भाई का बहन या भाभी, बहन भी लिख सकते हैं और ऑब्लिक में करके हम भाभी लिख सकते हैं, ठीक है। राजा का रानी, है ना, राजा का तो रानी होगा। मुर्गा का मुर्गी, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी, धोबी का धोबिन, धोबी कपड़े धो रहा है और धोबिन कपड़े धो रही है ना, इस तरह से। माली का मालिन, नौकर का नौकरानी। तो ये सभी सारे है ना पुल्लिंग दे रखे हैं, इनके हमने सारे स्त्रीलिंग लिखे हैं, है ना, सारे पुल्लिंग दे रखे थे, आगे आगे इनके सामने सामने हमने सारे स्त्रीलिंग लिखे बदल करके, ठीक है। अब है, अब प्रश्न तीसरा ये नहीं कराया, अब सब लोग करेंगे इसको, है ना, ये हमने नहीं कराया था, आज पढ़ाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के आगे उनका लिंग लिखें, लिंग बताना है, इसका लिंग बदलना नहीं है, इसका लिंग बताना है कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे शेर का, शेर क्या होता है, पुल्लिंग, शेर का होता है पुल्लिंग। मोरनी का, मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग, है ना, मोर पुल्लिंग होता है इसका,
और इसका मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी, तो मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग। यहाँ स्त्रीलिंग लिखेंगे। नंबर तीन है माली, माली कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, माली पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा मालिन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुल्लिंग। धोबी क्या है, धोबी भी पुल्लिंग है, है? इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, धोबिन, लेकिन हमको यहाँ पर लिखना है पुल्लिंग। रानी क्या है, रानी स्त्रीलिंग है, रानी का पुल्लिंग क्या है, राजा, रानी का पुल्लिंग राजा। और हाथी क्या है, पुल्लिंग, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी, हथिनी, ठीक है। तो इसका एक बार और मिला लें, मोरनी क्या होगा, स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग, धोबी पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग और हाथी पुल्लिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, एक अंतिम और है आपका, ये सही जोड़ी मिलान, सही मिलान करें, सही मिलान करना है। दोनों लिंग दे रखे हैं, आमने सामने नहीं दे रखे, लेकिन इनकी मैच करना है। जो पहले जो दे रखा है उसका स्त्रीलिंग से, सही स्त्रीलिंग से मैच करना है। आगे पुल्लिंग दे रखे हैं, जैसे सबसे पहले दे रखा है लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की, ठीक है, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। अब दूसरा है चूहा, चूहा का, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा, अब इनमें से ढूंढेंगे हम लोग। देखो लड़का का क्या हुआ, लड़की, अब चूहा का ढूंढेंगे, चूहा है तो चूहा का स्त्रीलिंग कहाँ ढूंढेंगे, सब पूरे में ढूंढेंगे हम, तो ये सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, ये चूहा है और चूहा का स्त्रीलिंग यहाँ से मिलाएंगे इसको चूहिया से, चूहिया, चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। अब है तीसरा है मोर, मोर का स्त्रीलिंग अब ऊपर से ढूंढेंगे हम, ये तो हो गया, ये नहीं है, ये हो गया, ये नहीं है, नहीं, ये मोर का पूछा है तो मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, मोरनी होता है ना, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, ठीक है। दादा फिर ऊपर से ढूंढेंगे हम, सबसे पहले चूहिया तो हो गया, दूसरा दादी, तो दादा का स्त्रीलिंग दादी, ठीक, ये हो गया। अब है शेर, शेर का स्त्रीलिंग फिर ढूंढेंगे ऊपर से, चूहिया, दादी, लड़की, मालिन, मोरनी, शेरनी, तो शेर का स्त्रीलिंग शेरनी यहाँ से मिलाएंगे, ठीक, यहाँ से ऐसे। और अंतिम है माली, माली का स्त्रीलिंग फिर ढूंढेंगे हम कहाँ हैं, ऊपर से ढूंढेंगे, चूहिया हो गया, दादी हो गया, लड़की हो गया, क्या बचा, ये मालिन, माली का स्त्रीलिंग मालिन, ठीक है। इस तरह से मिलाएंगे हम, लड़का का लड़की, चूहा का चूहिया, मोर का मोरनी, दादा का दादी, शेर का शेरनी और माली का मालिन, है ना। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। तो आज आपको क्या करना है, केवल वो करना है, ये मैच द पेयर हमने आपको करा ही दिया है, कॉपी में नहीं करना है कुछ भी, और इसको भी आपको फिल करना है। इसमें नंबर तीसरी, दूसरी, पहली और दूसरी तो करा दी थी हमने, ग आज फिल करा दी है, और ये मैच द पेयर, सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब तो टाइम अभी है काफ़ी, तो अभी हम आपको आज, अब आपको हम
श्रुतलेख बोलते हैं। श्रुतलेख, श्रुतलेख जानते हैं ना, जो हम बोलेंगे आप लोगों को 10 शब्द लिखना है, ठीक है। तो रेडी है ना आप लोग, तो श्रुतलेख बोलते हैं। नंबर पहला श्रुतलेख है, लिखें मामा। पहला श्रुतलेख है मामा, ठीक है। दूसरा श्रुतलेख है घोड़ी, घोड़ी। तीसरा है नौकर, नौकर, ठीक। तीसरा श्रुतलेख है नौकर। चौथा है धोबी, धोबी, ठीक है, धोबी। चौथा धोबी। पांचवा लिखें मालकिन, मालकिन, मालकिन। छठवा लिखें बकरी, बकरी, ठीक है, बकरी। सातवा लिखें पुत्र, पुत्र। आठवा लिखें सेविका, सेविका। नौवा लिखें राजा, राजा। और अंतिम अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका। तो ये हो गए आपके श्रुतलेख, ठीक है। सबसे पहला मामा, दूसरा घोड़ी। इस तरह से अब हमको याद नहीं है कौन से बोले हैं, तो आप लोग लिखिएगा, हमको दिखा चेक ज़रूर कराना है। कॉपी में जो व्याकरण वाली कॉपी है जिसमें प्रश्न उत्तर लिखने हैं उसमें ही ये श्रुतलेख लिखना है, है ना। और श्रुतलेख लिखने के बाद हमको चेक कराना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का व्याकरण, ये पाठ पूरा हो गया, है ना। पाठ पूरे में क्या क्या करना है, इसको रीडिंग जरूर करना है। इसको रीडिंग करने, पाठ को पढ़ने के बाद होमवर्क क्या होगा, पाठ पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको याद करना है, इस वाली टेबल को याद करना है, जो लिंग बदलना, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा है ना, इसको याद करना है पूरे को, ठीक है। और याद करने के बाद ये करना है आपको, सही विकल्प करा दिए हैं हमने, है ना। ये इसमें बुक में ही करना है, कॉपी में, इसमें इस वाले पार्ट में कॉपी में ये टेबल लिख लूँगा, आप लोग टेबल ये लिख लीजिएगा, ये पुल्लिंग, ये वाली टेबल याद भी कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा कॉपी में, पार्ट 5 डाल करके लिंक, ठीक है। और उसके बाद ये बुक में ही भरना है, सही विकल्प चुने, लिंग बदल कर लिखिए, ये भी बुक में ही लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के आगे उनका लिंग लिखें, ये भी बुक में ही भरना है। और मैच द पेयर भी आप लोगों को बुक में ही फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद कॉपी में आप लोगों को श्रुतलेख लिखना है, ठीक है। श्रुतलेख लिखना है सुनकर, और बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, राइटिंग गंदी नहीं होना चाहिए,
और राइटिंग अच्छी, वो गलत नहीं होना चाहिए, मात्राओं की गलतियाँ नहीं होना चाहिए, और सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना है ना। यही आपका आज का होमवर्क है। और नेक्स्ट देखो हम आपको पढ़ाएंगे अब अगले पीरियड में पार्ट 6 वचन, ठीक है ना, पार्ट 6 वचन पढ़ाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका आज का, ये लेसन पूरा हो गया पार्ट 6 लें, ठीक है। ओके, होमवर्क जरूर कर लेना, सूत्र लेख जरूर लिखना। ओके, गुड डे।